गोकुलदास पब्लिक स्कूल खरगोन में वर्ष 2023-24 के लिए शपथ विधि समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हावड़ा पश्चिम बंगाल की डीसीपी श्रीमती प्रतीक्षा झारखरिया, एक्साइज ऑफिसर अभिषेक तिवारी, विद्यालय के डायरेक्टर अशोक महाजन, चेयरपर्सन श्रीमती सरिता महाजन, एकेडमिक डायरेक्टर संजय गुप्ता तथा प्राचार्य मंडला वैद्यवती ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने स्कूल के नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रतिनिधियों को बैच व सैश पहनाकर सम्मानित किया। डीसीपी प्रतीक्षा झारखरिया ने अपने उद्बोधन में बताया कि आप विद्यालय में जो कुछ भी सीखते हैं वो आपको एक अच्छा एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अतिथियों के अभिभावकों के साथ पालकगण, समस्त शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ग्रेट लीडरशिप स्टार्ट्स विद सेल्फ लीडरशिप। टुडे बिफोर यू दीस काउंसिल मेंबर्स are going to be invested with the sashes or the badges of leadership. Let us try to figure out what is self-leadership. There is something inexplicably inspiring about the march past. It's a sense of dignity and pride to where it's been doing. Every duty is holy and devotion to duty is the highest form of worship of God. Master Abhay Pawar and Ms. Vaishnavi Suryavanshi. सारे मेडल्स जीते उसने। सो खरगोन जैसी जगह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक देना और वो भी एक स्कूल की तरफ से मिल रहा है, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ स्कूल को। और आपको बोलना चाहती हूँ कि मीडिया के थ्रू आप ये बच्चों की प्रतिभा के बारे में और स्कूल की कंपटीशन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सबको अवगत कराएं कि खरगोन छोटी जगह नहीं है। खरगोन में भी हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के और नेशनल स्टैंडर्ड्स के एजुकेशन स्पोर्ट्स सब प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एमपी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसमें जब इतने छोटे छोटे जो दूर हैं, भोपाल से दूर हैं और हेडक्वार्टर से दूर जिले भी हैं जो, लेकिन उसी कंपटीशन लेवल पर और उसी प्रतिस्पर्धा जो कहते हैं उनको, वही इंकल्केट कर रहे हैं वो बच्चों में, वही डाल रहे हैं वो बच्चों में। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यू आर सेटिंग, मतलब आप वही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्वालिटी के, एजुकेशन के, स्पोर्ट्स के। मैंने आज मुझे पता चला है, जैसे ऐश्वर्या जो बच्चा, ये कोरोना के बाद में जीपीएस स्कूल की तरफ से पहला अलंकरण समारोह था जिसमें बच्चों को बैचेस दिए गए डिसिप्लिन के, हेड बॉय हेड गर्ल्स के। और ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके के प्रोग्राम्स में जो बच्चों को मिलती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए मदद भी करती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे समारोह स्कूल्स में होते रहना चाहिए। और जीपीएस अपने आप में एक पहला स्कूल है मुझे जहाँ तक ज्ञान पड़ता है खरगोन का, जो ये अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। हम इनको काफ़ी शुभकामनाएँ देते हैं कि आगे इस तरीके के प्रोग्राम्स हो, ताकि बच्चों की जिम्मेदारी का, लीडरशिप का एक जो न्यू पढ़ती है वो इसी छोटे स्कूल्स में, छोटे क्लासेस में पढ़ती है। तो हम अपनी तरफ से काफ़ी इनको बधाई देते हैं और आगे इस तरीके के और भी प्रोग्राम्स स्कूल में होते रहें, डिसिप्लिन के, स्पोर्ट्स के, कल्चर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐश्वर्य ने इसी स्कूल में रहते हुए जो शूटिंग की प्रैक्टिस की और आज अपने झंडे गाड़ रहा है वो पूरे विश्व में, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।